जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। पूरे प्रदेश में चला लाडली बहन का जादू। भाजपा ने इंदौर में 30 साल पुराना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ष 1993 में सभी 8 सीट जीती थी तो इस बार 9 सीटों पर कब्जा जमाया। एक तरफ जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ लाडली बहन का जादू भी खूब चला। 2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बागी भी मैदान में थे, लेकिन भाजपा प्रत्याशियों ने हजारों मतों से जीत दर्ज की। विधानसभा 1 से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जीते। विधानसभा 2 प्रदेश की सबसे बड़ी जीत रमेश मेंदोले ने 1,07,047 मतों से जीत इतिहास रच दिया। विधानसभा 3 से गोलू शुक्ला ने जीत दर्ज की। नंबर 4 से मालिनी गौड़ ने जीत दर्ज की। 5 से महेंद्र हड़िया जीते। राहू से जीतू पटवारी को हराकर मधु वर्मा विजय हुए। सावेर से मंत्री तुलसी सिलावट विजय हुए। मऊ से मंत्री उषा ठाकुर विजय हुई। देपालपुर से मनोज पटेल विजय हुए। 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं की खुशियां देखने ही बनी। लाडली के लहर के बीच जैसे जैसे सीटों की घोषणा होती रही, लोगों का उत्साह बढ़ता गया। इंदौर में महिलाओं ने 5वीं बार भाजपा सरकार बनने की खुशियां मनाई। इंदौर से योगेश दुबे के साथ संदीप सुमन की रिपोर्ट।